Welcome back everyone, this is Abrar Hussain and welcome to my YouTube channel and React.js for Beginners course. इस कोर्स को हम लोगों ने Google and OpenClassroom.com की एक्सरसाइजेज से नकल किया है और इस खासतौर पर कंपोनेंट्स, हुक्स एंड फॉर्म्स के ऊपर चेक्स लगाने के ऊपर काम किया है. चलिए तो फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करें. वेलकम बैक एवरीवन. तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग OpenClassroom.com से एक्सरसाइजेस को रिजॉल्व करेंगे और एक कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट बनाएंगे. सबसे पहले इस फंक्शनलिटी को देख लेते हैं, जहाँ पर अगर मैं क्लोज कार्ट करूँ तो ये कार्ट यहाँ से क्लोज हो जाता है और ओपन पे क्लिक करने से यहाँ पर कार्ट विजिबल होना शुरू हो जाता है. उसके बाद अगर प्लांट्स को कार्ट में ऐड करवाना है तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और वो कंसर्न प्लांट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसकी प्राइस भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी. अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो काउंटिंग 2 हो जाएगी और यहाँ पर टोटल भी जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स 16. इसी तरह से अगर ये वाला प्लांट है और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसकी जो प्राइस है दैट इज 5 यूरोस, और इसी तरह से ये 5 यूरोस जो है यहाँ पर टोटल में ऐड हो गए. फिल्टर्स को भी हम लोगों ने यूज़ किया है तो हर एक प्लांट की अलग अलग कैटेगरी है. अगर मैं यहाँ पर क्लासिक प्लांट्स देखना चाहूँ तो मैं सिर्फ क्लासिक को देख पाऊँगा. इसी तरह से अगर सिर्फ एक्सटीरियर को देखूँ और इसी तरह से, और इस पूरी फिल्टर को मैं रीसेट कर सकता हूँ. अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और आप लोगों को वाटर का ड्रॉप एंड सनलाइट नज़र आएगी. अगर मैं एक वाटर के ड्रॉप के ऊपर क्लिक करूं तो आपको अलर्ट में नज़र आएगा कि इस वाले प्लांट को लिटिल वाटर चाहिए, इस वाले प्लांट को एक्स्ट्रा वाटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट्स हैं या 3 ड्रॉप्स हैं. और इसी तरह से अगर मैं सन लाइट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिटिल लाइट का ऑप्शन आ रहा है कि प्लांट रिक्वायर्स लिटिल लाइट. इसी तरह से सब्सक्रिप्शन के लिए ईमेल एड्रेस दी गई है. तो अगर आप लोग गलत ईमेल एड्रेस डालते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ abrar.com और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आएगा अटेंशन देयर इज नो @ दिस इज नॉट अ वैलिड. पर अगर मैं यहाँ पे @ की साइन दे दूँ तो अब हमारे पास कोई भी इशू हमें नज़र नहीं आएगा. इसी तरह से यहाँ कार्ड के अंदर क्लियर कार्ड का भी ऑप्शन मौजूद है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये कार्ड क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस वेबसाइट. तो अब इसी फोल्डर के अंदर एक नई ऐप बना लेते हैं. तो सबसे पहले कंसोल या टर्मिनल या CMD को ऑन कर लें और उसमें कमांड लगाएं क्रिएट रिएक्ट ऐप जंगल हाउस, जो कि हमारी ऐप का नाम है, और हमारा जो फोल्डर है दैट इज रिएक्ट. हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिए कमांड को, थोड़ी देर में कमांड कंप्लीट हो जाएगी. And there it is. अब हम लोगों ने cd करके जंगल हाउस की डायरेक्टरी में चले जाना है और npm स्टार्ट कर देना है. तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, cd जंगल हाउस एंड देन npm स्टार्ट. तो अब हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो चुका है. एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है. हेडर कंपोनेंट स्टार्ट करना है तो हेडर कंपोनेंट बनाने के लिए मैं सोर्स में आ जाता हूं और यहां पर एक नया फोल्डर बना लेता हूं कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं header.js की. header.js के अंदर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रिएक्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है और एक फंक्शन लिखना है और फंक्शन का नाम होगा हेडर. और हेडर फंक्शन करेगा क्या, वो रिटर्न करेगा, किस वैल्यू को रिटर्न करेगा, h1 को. और h1 में हम लोग लिखेंगे जंगल हाउस. सो दिस इज इट, प्रीटी सिंपल. आप इसको शो करवाना है कहाँ पे, पब्लिक में इस index.html की फाइल के अंदर, और उसका जो कनेक्शन है वो है index.js के साथ. तो हम लोग ये ऐप को ख़त्म कर देते हैं
और यहां पर लिखते हैं हेडर के एंड इसे सेव कर देते हैं। यहां पर हेडर को इंपोर्ट भी करवा देते हैं हेडर एंड फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स एंड देन हेडर। तो ये हेडर लगा दिया है हम लोगों ने, हेडर बना दिया है, इंपोर्ट करवा दिया है, एप को कमेंट आउट कर देते हैं। ये रहा हमारा जंगल हाउस इन कैच वन। इंटीग्रेशन भी हो गई, इंटीग्रेशन इज अ बेसिक स्टेप, उसके लिए आप लोग पार्ट वन देखें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टास्क के ऊपर। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, गिव इट अ गो। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर इन्होंने हमें कहा है कि भाई रीयूज करें इस कंपोनेंट को, बैनर को। तो जो बैनर कंपोनेंट है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो हम लोग कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऊपर डिफाइंड है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ बैनर डॉट जे एस और मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ रिएक्ट को। और एक्सपोर्ट करवा देते हैं डिफॉल्ट एंड अ फंक्शन नेम्ड बैनर। और बैनर फंक्शन में होगा क्या कि बैनर फंक्शन में एक वेरिएबल है डिस्क्रिप्शन के नाम का और उसमें हम लोग कहते हैं वन स्टॉप शॉप फॉर यू टू परचेज एनी टाइप ऑफ फंड्स। और उसके बाद हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होनी चाहिए वो हेडर के नीचे होनी चाहिए, तो मैं हेडर के कंपोनेंट को रीयूज कर लेता हूँ। तो दो कंपोनेंट्स जब भी मैं यूज करूँगा तो उनको इनक्लोज करूँगा डिव के अंदर। तो पहला है हमारा हेडर और हेडर के बाद आपके पास है ये डिस्क्रिप्शन और इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग एक पी एलिमेंट में लगा देते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर यूज करने के लिए मुझे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी कर्ली और यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। और हेडर क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसे मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा इंपोर्ट हेडर, इसको सेव कर देते हैं। और अब आ जाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पे। यहाँ पर पहले से ही मैं हेडर को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। अब इस हेडर को इंपोर्ट कराना लाजम नहीं है, सिर्फ बैनर को इंपोर्ट करवाएंगे क्योंकि बैनर के अंदर ऑलरेडी हेडर इंपोर्टेड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैनर और यहाँ पर भी लिख देता हूँ बैनर और यहाँ पे लिख देते हैं बैनर एंड दिस इज इट। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। सो देयर यू गो, बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने एक कार्ड कंपोनेंट बनाना है, उसके अंदर ये तीन प्लांट्स लगाने हैं और प्लांट्स की प्राइसेस रखनी है 8 यूरो, 10 यूरो और 5 यूरो, 15 यूरो। और इनको UL एलिमेंट के अंदर शो करवाना है और उसके बाद कार्ड की टोटल प्राइसेस को एड अप कर देना है। तो हम लोग कंपोनेंट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं कार्ड डॉट जे एस। ये एक्सपोर्ट करेगा डिफॉल्ट कार्ड को एंड कार्ड इज अ फंक्शन एंड इट्स कार्ड। इस कार्ड के अंदर तीन प्लांट्स होंगे, तो मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट। और तीन प्लांट्स कौन से हैं वो देख लेता हूँ। तो ये हैं तीन प्लांट्स, इनको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि इसकी जो प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर प्राइस कर देता है, प्राइस इक्वल्स टू 8 यूरो एंड दिस वंस प्राइस इज इक्वल्स टू 10 यूरो and this one's price is equals to
15 यूरो, सेमीकोलन एंड सेव इट। उसके बाद मुझे इनको रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए मैं कहूँगा रिटर्न, एंड मुझे दो एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, एक में टोटल होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा यूएल का होगा। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ स्लैश डिव, एंड उस डिव के अंदर यूएल एलिमेंट और उसके अंदर एलआई एलिमेंट्स। सो आई विल राइट एलआई, और एलआई में पहला होगा मॉन्स्टेरा, और उसकी जो प्राइस है वो लगाने के लिए, यानी कि इस वेरिएबल को यूज करने के लिए, मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स दूंगा और लिखूंगा मॉन्स्टेरा प्राइस। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और कहेंगे आईवी और आईवी बाय। इसी तरह से बंच के लिए कर देते हैं, लोग कहेंगे बंच, और यहां पर भी बंच B1CH underscore price, तो यहां पर underscore price कर देते हैं। ओके, गुड टू गो। अब इनका करवाना है टोटल, तो टोटल करवाने के लिए मैं यहीं पर लिख देता हूं बच्चे टोटल एंड कॉलन, और उसके बाद यहाँ पर प्लस कर दें आईवी प्राइस प्लस बंच प्राइस, एंड दिस शुड बी इट। अब इस कार्ड को हमने इस इंडेक्स वाली फाइल में भेजना है, लेकिन कैसे भेजना है कि बैनर एंड हेडर हमारा हो वहाँ पे। तो ये हेडर ऑलरेडी बैनर के अंदर है, तो मुझे आना पड़ेगा index.js के अंदर, और ये बैनर है पहले से ही। इसके नीचे मैं HR एलिमेंट लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे आपका एक लाइन आ जाए, और लाइन के बाद यहाँ पे कर देते हैं कार्ड। ओके जी, तो कार्ड हमारा इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिकली। अब ज़रा देख लेते हैं इसको, आई होप कि कोई एरर नहीं होगा, एंड नो एरर, सिवाय इसके कि यहाँ पर हम लोगों को यूरो की साइन देनी है। तो यूरो की साइन देने के लिए मैं यूरो की साइन यहीं से उठा लेता हूँ। सो कॉपी इट, अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं कार्ट वाली जगह पे, और यहाँ पर मैं अल्ट को प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ उन उन जगहों पे जहाँ पे मुझे यूरो लगाना है। एंड नाउ चेक, चले अब इन पर कुछ स्टाइल्स लगा देते हैं, और स्टाइल्स लगाने के लिए मैं सबसे पहले स्टाइल्स लगाता हूँ बैनर पे, और बैनर में हमारा है हेडर, और हेडर के ऊपर स्टाइल्स लगाने के लिए मैं हेडर पे आ जाऊँगा, और हेडर के अंदर जो H1 है इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, और लेट्स से JH बैनर, और जे एच बैनर के बाद हम लोग इसके ऊपर स्टाइल्स लगा देते हैं। तो इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ स्टाइल्स, और इस स्टाइल्स के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ न्यू फाइल, और उसको नाम दे देता हूँ header.css, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवा देते हैं। तो मैं कहूँगा इंपोर्ट //styles/header.css, और अब इस हेडर के ऊपर कुछ स्टाइल्स लगा देते हैं। तो हेडर में जाके मैं कुछ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ स्टाइल्स, जिसमें कलर है, टेक्स्ट लाइन है, पैडिंग है, और बॉर्डर बॉटम है। और जब मैंने इसको बॉर्डर बॉटम दे दिया है, तो अब आपको याद होगा कि मैंने index.js के अंदर HR दिया था लाइन देने के लिए,
तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये वाला HR अब जाहिर ना हो, इसे सेव कर देते हैं और header.css की फाइल को भी सेव कर देते हैं। यूं करने के बाद आपको जंगल हाउस राइट साइड पे नजर आएगा और एक अच्छा सा बॉटम बॉर्डर नजर आ रहा है हमें। अब यहाँ पर हम लोगों ने लगाना है लोगो, तो लोगो लगाने के लिए मैं सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ एसेट्स का, और ये सोर्स के अंदर होगा। इसको मैं स्टाइल से बाहर निकाल देता हूँ। एसेट्स के अंदर हम लोगों ने एक फाइल रखनी है, फाइल अपलोड करनी है। हमारे रिएक्ट के फोल्डर में जंगल हाउस है और जंगल हाउस में आपको नजर आएगा सोर्स, और इस सोर्स के अंदर है एसेट्स। यहाँ पर हम लोगों ने अपना जंगल लोगो पेस्ट कर देना है। अब इसको हम लोगों ने यूज करना है, और यूज करने के लिए मैं आ जाऊंगा अपने हेडर के सेक्शन में, और हेडर है हमारा कंपोनेंट्स के अंदर, ये रहा हेडर। और हेडर में अब ये रिटर्न करने के बजाय मैं कहूंगा कि एक डिव, और उस डिव के अंदर ये H1 होगा, और साथ ही साथ एक इमेज होगा /img tag, और इमेज के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट। और ये जो सोर्स का एट्रीब्यूट है इसमें हम लोग लगाएंगे अपना लोगो, और अगर लोगो नजर नहीं आता तो अल्टरनेटिवली वहां पर नजर आए लोगो ऑफ जंगल हाउस इज मिसिंग। ये जो लोगो मैं यूज कर रहा हूँ इसको इंपोर्ट करवाना है, तो इंपोर्ट करवाने के लिए वंस अगेन मैं कहूँगा इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, क्योंकि मैं नाम लोगो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लोगो कर रहा हूँ, और ये आपने करवाना है /// एंड देन एसेट्स, और एसेट्स में आपका एक जंगल लोगो के नाम का जंगल लोगो .png की फाइल, ठीक है। तो ये है एसेट्स, और एसेट्स के अंदर जंगल लोगो .png, देयर इट इज, सेमीकोलन एंड सेव। सेव करने के बाद ये मुझे रिटर्न में कॉमा का एरर दे रहा है। मैं यहां पर ब्रैकेट्स दे दूंगा और ये एरर हो गया खत्म। अब जरा चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। लोगो ऑफ जंगल हाउस इज मिसिंग बता रहा है क्यों, और आप यहां पर आए तो यहां पर ये गलती है, src होना चाहिए सोर्स, और देयर यू गो, ये रहा आपका जंगल हाउस का लोगो। लेकिन इसकी प्लेसमेंट यहां पर होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और आप लोगो के ऊपर कुछ स्टाइल्स लगा देते हैं। तो मैं एक क्लास नेम लिखूंगा, क्लास नेम और जंगल हाउस लोगो। ये जंगल हाउस लोगो को हम लोग इसी स्टाइल्स के अंदर सेव करवा देते हैं इसकी css को। तो मैं स्टाइल्स पे आऊंगा और header.css पे आ जाएंगे, और यहां पर मैं लिखूंगा .jh लोगो, और यहां पर इसकी जो विड्थ है वो मैं कह देता हूँ 45 pixels। सेव कर दें, यहां पर इसको कह देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट टू फ्लेक्स एंड। सेव कर देते हैं और चेक करते हैं अपने लोगो को। ये रहा हमारा लोगो, और आपका header.js के अंदर ये रहा इमेज। तो अगर मैं इस इमेज को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ये प्रॉपरली अलाइन हो चुके। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं, और एक्सरसाइज में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा गोल है कि हम लोग स्टाइल्स लगाएंगे किसके ऊपर, कार्ट के ऊपर, जे एच कार्ट का क्लास स्टार्ट करना है।
और उस पर ये प्रॉपर्टीज लगा देनी है। तो मैं इस बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और एक स्टाइल की फाइल बना लेते हैं और इसको कह देते हैं card.css। card.js में आके अंदर हमारा यही div एलिमेंट है, इसको कर देते हैं क्लास नेम और j h dash card, जंगल हाउस कार्ट हो गया क्लास नेम। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं import और double.style/card.css। और अब card.css के अंदर हम लोग लिख देते हैं .jh-card, सेव। ये हो गया हमारा कार्ड। अब जरा एप्लीकेशन को देख लेते हैं एंड देयर यू गो, हमारा कार्ड जो है वो बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। अब जरा लिस्ट एंड कंडीशनल रेंडरिंग पे आ जाते हैं ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, शॉपिंग लिस्ट डॉट जे का एक कंपोनेंट बनाना है और उसके लिए हम लोगों को एक प्लांट लिस्ट डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यही वाली प्लांट लिस्ट जो है वो उठा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर बनाएंगे शॉपिंग लिस्ट डॉट जेएस। और उसके बाद आप लोगों ने एक्सपोर्ट करवाना है और एक्सपोर्ट क्या करवाना है, फंक्शन को, डिफॉल्ट फंक्शन को, और डिफॉल्ट फंक्शन एंड उसका नाम यही होगा शॉपिंग लिस्ट। अच्छा, साथ ही साथ ये शॉपिंग लिस्ट के अंदर हम लोगों ने लिस्ट लगानी है, ये प्लांट लिस्ट के ऊपर लूप करवाना है। अब लूप करवाने के तीन तरीके हैं, एक है आप लोगों का मैप के थ्रू, दूसरा है आप लोगों का फॉर ईच के थ्रू और तीसरा है रिड्यूस के थ्रू। तो हम लोग सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कहूँगा कि भाई एक लिस्ट बनानी है, आपने प्लांट लिस्ट के ऊपर आना है और मैप करवाना है। और मैप क्या कराएंगे, मैप कराएंगे प्लांट को, ठीक है। तो हर एक प्लांट ये उठाएगा और फिर क्या होगा, प्लांट उठाने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि वो सारे प्लांट एल आई के अंदर आए एक एक करके। तो हम लोग यहाँ पे प्लांट लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैप करेगा इस प्लांट को और हर एक प्लांट जो है वो एल आई के अंदर डालेगा और हर एक एल आई जो है वो एक यू एल के अंदर है। सो दिस इज इट। वंस इट इज डन तो हम लोगों ने इस शॉपिंग लिस्ट डॉट जे एस को इंडेक्स डॉट जे एस में लेकर आना है और यहां पर मैं लिखूंगा शॉपिंग लिस्ट एंड देन स्लैश ये वाला कार्ड देते हैं और इसको सेव करते हैं। इसको भी क्या जरूरत है, एंड देयर यू गो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैप के थ्रू हो गया। अब अगर मुझे मैप के थ्रू नहीं करना और फॉर ईच के थ्रू करना है तो फॉर ईच के लिए आप लोग यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाते बल्कि आप लोग कहते हो कि हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, एम्प्टी प्लांट लिस्ट। तो मैं कहूँगा न्यू लॉन्च लिस्ट इक्वल्स टू इट्स एन एम्प्टी एंड ये जो होगा आपका अफकोर्स कॉन्स्ट होगा। और अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर लूप करना है। तो मैं कहूँगा फॉर ईच और एरिया जो होगा वो होगा आपका प्लांट लिस्ट, आप लिखोगे प्लांट लिस्ट। और फॉर ईच के अंदर आप कहोगे ये सिर्फ एलिमेंट ना हो बल्कि ये हो प्लांट
एंड देन आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर हर एक चीज जाए एल आई एलिमेंट्स के अंदर, और ये हो प्लांट, ठीक है, लेकिन ये हर एक जो एल आई है उसको हम लोगों ने इस न्यू प्लांट लिस्ट के अंदर पुश करवा देना है। तो मैं कहूंगा न्यू प्लांट लिस्ट डॉट पुश, और इस ब्रैकेट को बिल्कुल आखिर में रखवा देंगे, और यू करने के बाद आप यहां पे रिटर्न करवाओगे इसको न्यू प्लांट लिस्ट को, और अब आ जाते हैं वापस। तो आपको एक गड़बड़ी नजर आएगी कि ये हर बार चल रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इस मामले को हल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर इस कॉन्स्ट को और इस लिस्ट को लेकर यहां पे पेस्ट कर दोगे। यहां पर पेस्ट करने के बाद अब अगर आप इसको देखें तो ये आपका एक ही बार चल रहा है, ना कि तीन बार। अब इसको अगर मैं इंस्पेक्ट कर लूं तो ये वार्निंग दे रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, और अगर की प्रॉप यूनिक नहीं होगा तो लिस्ट अगर अपडेट वगैरह होती है तो उसमें ट्रबल्स आ सकते हैं, और यहां पर भी आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो द की आइडेंटिफाई व्हिच आइटम्स हैव चेंज्ड और एडेड और आर रिमूव्ड, सो की शुड बी गिवन टू ईच एलिमेंट, तो उसके साथ लिंक करवाने के लिए की जो है वो देना बड़ा लाजिम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको की दे देते हैं, और की देने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और प्लांट कॉमा हम लोग क्या देते हैं इंडेक्स, और जब भी आप लोग की देते हो तो प्रोपोजिशन आप लोग यहाँ पर देते हो या प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आप लोग लिखते हो की इक्वल्स टू, और उसके बाद आप लोग ये वाली ब्रैकेट दे देते हो, ठीक है। अब इनको की देने के लिए आप लोग बैक टिक्स लगाओगे, और उसके बाद ये जेएस का कॉन्सेप्ट मैं कह दूंगा प्लांट, एंड देन मैं कहूंगा ये प्लांट जो है वो इस यूनिक की के साथ लिंक्ड है, और वो है आप लोगों का इंडेक्स IDX। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा लेट्स से मॉन्स्टेरा 0 एंड देन दिस प्लांट टू 1, दिस वन टू 2, दिस वन टू 3, एंड ये पाम जो है वो होगा 4। तो इस तरह से इनकी एक यूनिक की बन जाएगी, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये हमारा एरर चला गया। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर भी यही चीज चला दें तो आपको, अच्छा मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और ईच लूप को और रिटर्न वैल्यू को, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर भी आपको यही एरर देगा। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको यहाँ पर चेक करूँ तो देखें बन सके आपको वही एरर आ गया है, चाइल्ड की जो है की यूनिक होनी चाहिए। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक इंडेक्स स्टार्ट करवा देता हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे यही सेम की को पेस्ट करवा देता हूँ, एंड बाय डूइंग सो आप लोगों का जो एरर है वो खत्म हो चुका है। चले तो ये है एक और चैप्टर और एक और टास्क हमारे लिए, और इस टास्क में क्या करना है, ये कह रहा है कि इस ब्रांच के ऊपर हम लोगों को एक कोड बेस मिलेगा जहाँ पर एक्सरसाइज रखी हुई है, और वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, शॉपिंग लिस्ट डॉट जे एस की फाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, और इस फाइल के अंदर डेटा से एक प्लांट लिस्ट जो है वो इम्पोर्ट की गई है जो कि इसमें अवेलेबल है,
और उसके अंदर हर प्लांट की कैटेगरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वो किस कैटेगरी का है। हम लोगों ने क्या करना है, एक नई लिस्ट बनानी है डायनामिकली जो कि यूनिक कैटेगरीज को निकालेगी उस लिस्ट ऑफ प्लांट में से, यानी कि प्लांट लिस्ट में से, जो कि हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने करना कौन सा है, एक रिड्यूस का तरीका इस्तेमाल करना है और एक फॉर ईच का इस्तेमाल करना है, मतलब इन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद लिस्ट ऑफ प्लांट कैटेगरीज जो है वो शो करवानी है और की के लिए केयरफुल रहना है। चलें जी, तो सबसे पहले हम लोग इस पे आ जाते हैं, तो मैं इसको ओपन इन व्यू टैब कर देता हूँ और यहाँ से मैं P2C3 बिगिन वन पे अवेलेबल हूँ। सोर्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आना है हमें डेटास के पास। यहाँ पे हमें प्लांट लिस्ट मिलेगी, तो इस प्लांट लिस्ट को हम लोगों ने कॉपी कर लेना। मैंने इसको कॉपी कर दिया, अपने कोड में आता हूँ और इस सोर्स के अंदर एक डेटास का फोल्डर बना लेता हूँ, डेटास, और इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम होगा प्लांट लिस्ट डॉट जेएस। और इसके अंदर वही कोड हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इस कोड में आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग यहीं पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसका रीज़न है कि रिएक्ट 18 में हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर मेरे लिए तो काम नहीं किया इसने, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट और प्लांट लिस्ट ताकि इसको यूज़ कर सकूँ। और उसके बाद वो कह रहा है कि शॉपिंग लिस्ट वहाँ से उठानी है और शॉपिंग लिस्ट के अंदर हमें काम करना है। तो हम लोग आ जाते हैं इसकी शॉपिंग लिस्ट के अंदर, तो कंपोनेंट्स में आके हम लोग शॉपिंग लिस्ट में आ जाते हैं। तो शॉपिंग लिस्ट में हमारे पास, इस शॉपिंग लिस्ट में हमारे पास आधा सा कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और मेरे पास पहले से शॉपिंग लिस्ट बनी हुई है, तो मैं इसको ज़रा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, और एक नई शॉपिंग लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा अब लेना देना नहीं है, तो हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं शॉपिंग लिस्ट डॉट जेएस, और इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इस शॉपिंग लिस्ट को मॉडिफाई करना है। अभी के लिए हमारा आउटपुट क्या है, सो फिलहाल हमारे पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो हम लोग यहाँ कोड पे आ जाते हैं और हम लोगों ने यूज़ करना है फॉर ईच लूप को और एक नई लिस्ट बनानी है। तो मैं नई लिस्ट के लिए यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्स्ट एंड कैटेगरी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ कि लूप चलाओ किस पर, प्लांट लिस्ट के ऊपर। तो हम लोग कहेंगे प्लांट लिस्ट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हम लोग कहेंगे कि जो भी प्लांट हैं, क्योंकि इसमें से हर एक प्लांट को उठाना है, और प्लांट में क्या होगा, प्लांट में हमारे पास ये चीज़ें होंगी, ठीक है, कंप्लीट। तो हम लोग क्या करते हैं, कह देते हैं प्लांट, और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि भाई जब ये प्लांट निकाल लो तो एक काम करो कि चेक करो कि पहले से कैटेगरी लिस्ट में वो प्लांट मौजूद तो नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको हम लोग इस लिस्ट में पुश करवा देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चेक करना है इफ ब्लॉक के अंदर कि अगर कैटेगरी लिस्ट के अंदर पहले से ही प्लांट डॉट कैटेगरी नहीं है, और प्लांट डॉट कैटेगरी आखिर क्या है, प्लांट डॉट कैटेगरी यहां पर आपको नजर आएगा, ये है प्लांट डॉट कैटेगरी, ठीक है। तो हर बार ये प्लांट डॉट कैटेगरी को निकालेगा
और चेक करेगा कि अगर वो पहले से ही कैटेगरी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो पहली बार तो इसमें अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आफ्टर ईच इटरेशन ये जब चेक करेगा और उसमें अवेलेबल होगी तो ये ब्लॉग को नहीं चलाएगा। तो एक ही बार एक ब्लॉग को चलाएगा जब कैटेगरी लिस्ट में ये वाली कैटेगरी प्लांट की नहीं है। और ये पुश करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कैटेगरी लिस्ट डॉट पुश, और पुश क्या करवाना है, पुश करना है प्लांट डॉट कैटेगरी। वंस इट इज डन तो हम लोगों ने उस कैटेगरी लिस्ट में से अब एक एक कैटेगरी को निकाल के शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट से देता हूँ और UL के अंदर ये देता हूँ कि कैटेगरी लिस्ट में से, कैटेगरी लिस्ट में से निकालो इसको, एक एक कैटेगरी को। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कैटेगरी को दिखा देना है, ठीक है, कैटेगरी को दिखा देना है। लेकिन इस कैटेगरी को जो आपने दिखाना है वो दिखाना है LI आइटम्स में, और इस कैटेगरी को शो करवाने के लिए मुझे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। और की को नहीं बोलना, तो मैं कहूंगा की इज एक्चुअली कैटेगरी, फाइन एनाफ। और यूं करने से हमारा मामला हल हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये क्या कह रहा है, प्लांट लिस्ट इम्पोर्टेड एज प्लांट लिस्ट वॉज नॉट फाउंड। चलिए जी, तो वैसे तो फाउंड हो जानी चाहिए थी, डेटाज ही हम लोगों ने लिखा है, प्लांट लिस्ट ही लिखा है। ये ब्रैकेट्स हटा देता हूँ यहाँ से, लेट्स से ये ब्रैकेट्स हटा देते हैं और अब जरा चेक करते हैं। ओके, तो ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। इसी सॉल्यूशन को आप लोग एक और तरह से भी कर सकते हो, ये मैपिंग करवा के आप लोग एक और काम कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे रिड्यूस यूज करना चाहते हो तो आप लोग रिड्यूस भी यूज कर सकते हो, बल्कि रिड्यूस का जो सॉल्यूशन है वो पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लोग रिड्यूस वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ कोड जो देखना है वो देखना है कंपोनेंट्स में और शॉपिंग लिस्ट का। हाँ जी, तो इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ इस कोड को देखना है। ओके, सो अब एक दो चीजें और कर लेते हैं कि डेटास के अंदर हमारे पास प्लांट लिस्ट है और बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर, ठीक है, देयर आर सो मेनी प्लांट्स अवेलेबल हियर। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से ना कुछ के ऊपर एक कैटेगरी और डाल देते हैं, दैट इज बेस्ट सेल, और इसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स दे देते हैं, ठीक है। तो सभी के ऊपर मुझे ये वाली कंडीशन लगानी है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अल्ट को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी बेस्ट सेल कॉलन एंड ट्रू। अब कुछ के अंदर मुझे फॉल्स कर देना ताकि मेरी जो कैटेगरीज हैं वो कुछ फॉल्स हों और कुछ ट्रू हों। तो एक नई कैटेगरी हम लोगों ने ऐड कर दी है, और अब शॉपिंग लिस्ट के अंदर हम लोग आ जाते हैं और इसी तरह से एक लिस्ट पॉपुलेट कर देते हैं। तो एक लिस्ट पॉपुलेट करने के लिए मैं इसी कोड को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। एंड एज यू नो कि जब भी आप लोग दो एलिमेंट साथ लगाते हो तो डिव एलिमेंट लगाना लाजम होता है, राइट। तो आप लोग डिव लगा दोगे अच्छा जी। और मैं इस बार क्या कहूंगा, इस बार मैं कहूंगा कैटेगरी लिस्ट में से तुम्हें चीजें नहीं निकालनी बल्कि
प्लांट लिस्ट में से चीज़ें निकालनी हैं, और क्या चीज़ें निकालनी हैं, प्लांट डॉट नेम आपने निकालना है, और प्लांट के आईडी के हिसाब से, प्लांट डॉट आईडी के हिसाब से आपने प्लांट डॉट नेम निकाल के शो करवाना है, ठीक है। सो इट्स प्लांट डॉट नेम नहीं, यहाँ पे हमें प्लांट ही आएगा, यहाँ पे हम लोग कहेंगे प्लांट आईडी एंड प्लांट नेम, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लगा दें, ओके, इसे सेव कर दें, और सेव करने के बाद आउटपुट चेक करें जरा। तो ये रहा आपका आउटपुट, ये सारे प्लांट्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो बेस्ट सेल्स हैं वहाँ पे थम्स अप दिखाना चाह रहे हैं, और जो बेस्ट सेल्स नहीं हैं वहाँ पर हम लोग थम्स डाउन दिखाएंगे। तो ये अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं थम्स अप एंड थम्स डाउन की सिंबल को सर्च कर लेता हूँ, थम्स अप एंड थम्स डाउन या फायर, चले इसको कर देते हैं हम लोग फायर सिंबल, ये रहा, और ये रहा थम्स डाउन का, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी कोड पे, ये रहा हमारा कोड, और ये चीज़ हम लोग दिखाना चाहते हैं, प्लांट नेम, और प्लांट नेम के फौरन बाद हम लोग लगा देते हैं कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद एक टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर क्या कहेगा, वो कहेगा कि प्लांट डॉट इज बेस्ट सेल क्वेश्चन मार्क, इफ दैट इज द केस तो फायर का एमोजी दिखाओ, एंड क्या करना है यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसे सेव करें, और सेव करने के बाद चेक करें। आप इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप लोग, के मुझे अगर थम्स डाउन नहीं दिखाना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये चीज़ें हटा के एम्परसेंड दे दूंगा दो बार, एंड दिस इज इट, और ये आपके थम्स डाउन जो है वो चले गए, सिर्फ फायर फायर रह गए हैं। तो ये वाले सारे एलिमेंट हमारे बेस्ट सेल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक कोशिश कर देनी है, मैं कह देता हूँ कि ये जो प्लांट नेम है वो अपर केस के अंदर हमें नजर आए, तो टू अपर केस का हम लोग फंक्शन लगा देंगे, और यूं करने के बाद ये सारे अपर केस के अंदर आ जाएंगे। चलिए तो इस कोर्स की इवेल्युएशन दे देते हैं, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, एंगुलर है, व्यू है, एंड रिएक्ट है, पीएचपी हमारी बैकएंड लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है, और उसके अपने फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, फिर कह रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ट्रांसफॉर्म एन एचटीएमएल फाइल इनटू रिएक्ट ऐप ऑन कोड पेन, दैट इज टू इंडिकेट इन द एचटीएमएल वेयर रिएक्ट ऐप विल लिव, एग्जांपल विद द क्लास नेम, नहीं। तो एचटीएमएल फाइल को रिएक्ट ऐप में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग रिएक्ट ऐप और रिएक्ट डोम के सीडीएंस लगाते हो, अगर आप सीआरए को यूज नहीं कर रहे तो। और दूसरा, अटैच द रिएक्ट ऐप टू एचटीएमएल विद रिएक्ट डोम रेंडर, जी हाँ बिल्कुल, index.html के अंदर एक फाइल होती है जो कि यहाँ पर वैसे तो रूट लिखा हुआ होता है, लेकिन ये भी ठीक है, आप एलिमेंट का कुछ भी नाम दे सकते हो। और JSX के सिंटेक्स के लिए हमें बैबल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। What are the advantages of React? All of the libraries needed for a new project are supplied from the get-go? No. React is very modular. ठीक है. Its syntax JSX can be used very effectively. True. React is widely used, so knowing it opens the door of lots of professional opportunities. True. Once again,
क्वेश्चन नंबर फोर है, रिएक्ट इज एक्सलेंट टूल फॉर क्रिएटिंग डेटाबेसेस। नो, डेटाबेसेस रिएक्ट से नहीं बनाते, फ्रंट एंड ही है। बिल्डिंग अ यूजर इंटरफेस फ्रॉम रीयूजेबल कंपोनेंट्स। हाँ जी, इसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो रीयूजेबल होते हैं। क्रिएटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नो, क्रिएटिंग अ मॉक डिजाइन। लीव इट एज वेल। वैसे इसमें से तो हम लोग एक ही चूज कर सकते थे, तो ये बेहतर है। अच्छा ओके, लेट्स से यू हैव क्रिएटेड अ कंपोनेंट, ये रहा हमारा कंपोनेंट, और हम लोग इस कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम लोगों ने हेडर लिखा है, फिर एक डिव है, तो दो एलिमेंट है। ये कह रहा है कि ये वाले कोड लगाने के बाद एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो पहली चीज है, कंपोनेंट नेम्स मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। दैट इज ट्रू। कंपोनेंट शुड ऑलवेज बी रैप्ड बाय अ सिंगल पेरेंट कंपोनेंट। ट्रू। द माय हेड टैगर इज नॉट क्लोज्ड बाय स्लैश। यस, दैट्स आल्सो ट्रू। अ कंपोनेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद इन एन अदर कंपोनेंट। ये फॉल्स है। एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट हम लोग डाल सकते हैं। हम लोगों ने इस का जो एग्जाम्पल है वो पीछे देखा भी है प्रैक्टिकली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर द रिएक्ट कंपोनेंट। पहला है थ्रू एरो फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है फंक्शन के थ्रू आप माई कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हो और उसको रिटर्न दे रहे हो, ठीक है। दूसरा है जो कि 2019 से पहले हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, that was class component that extends the react component and then render karte the isko. Yep, that's also true. This one is actually not true. Ye true nahi hai. I have implemented a new component. Ye component naya sa. Ab isme kya masla hai? तो इसमें मसला ये है कि कंपोनेंट इज नॉट करेक्टली एक्सपोर्टेड। इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, माई टेक्स्ट तो हम लोग फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली रेंडर द स्ट्रिंग्स इन अ कंपोनेंट। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। JSX डज नॉट अलाउ यू टू डायरेक्टली इवेल्युएट जावास्क्रिप्ट। ये भी ट्रू नहीं है। देयर आर नो कर्ली ब्रेसेस इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस जरूर देते हैं अगर हम लोग किसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज नोटेशन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस कैन बी यूज्ड इन JSX टू रेंडर अ टेक्स्ट और अ नंबर वेरिएबल, ठीक है। डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते कभी भी। इवैल्यूएट JavaScript expression in order to mathematical, तो हाँ mathematical calculation भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे 8 question, अब देख लेते हैं कि इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत। मैं इसे submit कर देता हूँ और इसे check करते हैं। तो पहला हमारा सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी सही है, fourth one is also correct, fifth one as well, sixth one, yes, seventh and eighth. Welcome back everyone. तो हम लोग reuse of the components पढ़ेंगे using props और इसका एक syntax देखेंगे, और ये चीज करने के लिए हम लोग shopping list के ऊपर काम करेंगे और plant list में कुछ extra data डालेंगे। एक हमारी डेटा होगी वाटर की और दूसरी डेटा होगी लाइट की। और यूं करने के लिए मैं प्लांट लिस्ट पे आ जाता हूं और मैंने लाइट एंड वाटर की डेटा हर एक प्लांट के अंदर डाल दी है। उसके बाद हम लोगों ने केयर स्केल एक कंपोनेंट बनाना है जो कि बताएगा कि प्लांट की कितनी केयर है, कितनी लाइट चाहिए या प्लांट को कितना वाटर चाहिए। कंपोनेंट को यूज करेंगे हम लोग प्रॉप्स की वैल्यू के थ्रू, और उसको यूज करने का तरीका ऐसा है कि आप लोग फंक्शन के अंदर प्रॉप्स यूज करते हो और साथ ही साथ उसकी
वैल्यू डाल देते हो। तो मैं इसी कोड को यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको और फिर आ जाता हूँ कंपोनेंट्स में और यहाँ से एक नई फाइल बना लेता हूँ केयर स्केल नाम की और इसके अंदर हम लोग फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे इसी को यूज करना है और ये मुझे आउटपुट क्या देगा, ये मुझे आउटपुट देगा कि वैल्यू क्या है कहाँ पर प्लांट के अंदर लाइट की या वाटर की और साथ ही साथ ये लाइट का आइकन दे देगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लाइट की सबसे पहले वैल्यू जो है वो यूज कर लेता हूँ। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर तरीका बताया गया है कि आप लोग इस तरह से यूज करोगे इसको। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आप लोग आ जाते हो शॉपिंग लिस्ट के अंदर और यहाँ पर आप लोग लेट्स से इसी तरह का एक यूएल बना लें। तो मैं एक यूएल बना लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट और उस यूएल के अंदर हम लोग ये वाली चीज बिठा देते हैं और केयर स्केल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस केयर स्केल को हम लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट भी करवा देना। तो मैं यहां पर आके इंपोर्ट करवा दूंगा केयर स्केल को। अब हम लोग एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि ये वाला काम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक प्लांट पे भी जा रहे हैं और उसकी लाइट की वैल्यू को निकाल रहे हैं, पर चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप लोगों को एक एरर नजर आएगा इनवैलिड एलिमेंट टाइप का, वो इसीलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर तो स्केल वैल्यू यूज कर रहे हो लेकिन क्रॉप्स के अंदर क्या दे रहे हो, क्रॉप्स के अंदर आप लोग टैग दे रहे हो वैल्यू का ना कि स्केल वैल्यू का, तो आप लोगों को बाहर जाके भी वैल्यू ही यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर आके जहां पर स्केल वैल्यू है इसको सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू कर देंगे और अब प्लांट के लाइट की जो वैल्यू है हर एक प्लांट की वो इसके अंदर यूज होगी और हमें स्केयर स्केल के थ्रू यहां पर दिखाई देगी बिफोर दिस एमओजी। तो कौन सी हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम लोग इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम लोग इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, मैं चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने फाइल को सेव किया या नहीं। तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और शॉपिंग लिस्ट पे भी आ जाता हूँ, हम लोगों ने वैल्यू किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ एंड देयर यू गो, यहाँ पर 2 आ रहा है, वंस अगेन 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, तो ये वैल्यूज प्रॉपरली पॉपुलेट हो रही हैं उनके सामने। अब एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर भी स्केल वैल्यू यूज करो रादर देन वैल्यू। अगर आप यहाँ पर भी स्केल वैल्यू यूज करते हो तो अब इसको आप लोग यहाँ पे भी स्केल वैल्यू लिख सकते हो यूं, और यूं करने से अब आपको कोई मसला नहीं आएगा। चाहे तो मैं इसको रिलोड कर देता हूं, सी यहां पे आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा। अब हम लोग एक और चीज कर देते हैं, वो क्या कि आप लोग यहां पर प्रॉप्स लगाने के बजाय सीधा सीधा ब्रैकेट्स में स्केल वैल्यू दे दो। यूं करने से आपको यहां पर ये डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और शॉपिंग लिस्ट में आप लोग पहले से स्केल वैल्यू यूज कर रहे हो और इस तरह से भी आपकी एप्लीकेशन काम करेगी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर कुछ लिख भी देता हूं, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ताकि आउटपुट आपको प्रॉपर नजर आए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आउटपुट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अब आप लोग एक और काम कर लें, वो क्या कि इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें और उसको एक रेंज की वैल्यू के साथ कंपेयर करवा दें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये वाले सारे कोड को और आपको ये वाला एक्सप्लेन करवा देता हूँ।
हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये स्केल के अंदर इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब वो ये रहा है कि हम लोग इस रेंज के ऊपर चेक कर रहे हैं, तीन रेंजेस हैं 1, 2 and 3। स्केल की जो वैल्यू है वो लाइट की वैल्यू आ रही है करंटली प्लांट लिस्ट से, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट शॉपिंग लिस्ट में यूज हो रहा है। और हो ये रहा है कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट की लिस्ट है 2 तो ये हर एक रेंज की वैल्यू के ऊपर चेक होगा, जैसे क्या 2 ग्रेटर देन या बराबर है रेंज एलिमेंट्स हैं, तो जवाब आ गया ट्रू, तो पहली बार ये आइकन शो होगा। अगली बार वंस अगेन 2 को कंपेयर किया जाएगा रेंज की दूसरी वैल्यू के साथ 2 के साथ, और ये वंस अगेन जवाब ट्रू आएगा और ये आइकन शो होगा। नेक्स्ट टाइम ये फॉल्स होगा और हमें नल जो है वो मिलेगा और कोई आइकन वगैरह नजर नहीं आएगा। सो दो वैल्यूज के लिए जहां पर हमें सिर्फ 2 एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू शो हो रही थी, वहां पर हमें 2 बार लाइट बल्ब्स या लाइट्स नजर आएंगी। चेक कर लेते हैं इसको, और उससे पहले मैं इसे सेव कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, यहां पर आते हैं एंड देयर इट इज, आप लोगों को 2 बार लाइट्स नजर आ रही। अब कोड को थोड़ा और नीचे ले आते हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें केयर स्केल के अंदर 2 वैल्यूज डलवानी है। एक है केयर टाइप वाटर, केयर स्केल वैल्यू। अब ये केयर टाइप भी हम लोगों ने डलवाना है और उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि वेदर लाइट नजर आएगी या वाटर का कोई आइकन नजर आएगा। ओके, तो ये चीज यूज करने के लिए हम लोग यहीं पर कॉमा देके केयर टाइप भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा हमें इस पर एक इफ एल्स ब्लॉक लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं नीचे आ जाता हूं और इस ब्लॉक को उठा लेता हूं और यहां पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर लाइट देने के बजाय मैं कहूंगा कि वैल्यू वो आए जो कि स्केल टाइप के अंदर है। अब मैं आप लोगों को ये लाइन नंबर जो 4 है वो समझा देता हूं। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर अगर आप लोग केयर टाइप मेंशन करवाते हो लाइट, तो ये ट्रू होगा और ये आइकन सेव हो जाएगा इसके अंदर, जो कि नेक्स्ट टाइम यहां पर शो होगा जब आप इसको यूज कर रहे हो। पर अगर यहां पर केयर टाइप लाइट के अलावा कुछ भी डालते हो, वाटर डालते हो या टेम्परेचर डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो आइकन कौन सा जाएगा, ये वाला आइकन जाएगा किसके अंदर, स्केल टाइप के अंदर, और आप लोगों को ये वाली चीज नजर आएगी रादर देन लाइट। तो मैं इसे सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद हम लोग यहां पर आ जाते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप लोगों को बार बार क्या चीज नजर आ रही है, आप लोगों को बार बार नजर आ रहा है ड्रॉप्स, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्केल वैल्यू यूज कर रहे हैं लाइट, लेकिन केयर टाइप यूज नहीं कर रहे। तो हम लोग केयर टाइप यूज कर देते हैं, केयर टाइप, और यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। तो पहली बार मैं कह देता हूं लाइट के लिए बता दो। तो अब जब लाइट के लिए ये वैल्यू जा रही है, ठीक है, तो अब हमें लाइट नजर आएंगी रादर देन ड्रॉप्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं जा रहा था तो वो लाइट को नेगेट कर रहा था, तो ड्रॉप्स दे रहा था। सी, अब इसको एक और बार हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इसको करूंगा कॉपी और नीचे पेस्ट कर दूंगा, और अब यहां पे मैं लिखूंगा वाटर, और यहां पर कहूंगा कि वाटर की वैल्यू ही निकालो। कहां से वाटर की वैल्यू निकालो, इस प्लांट लिस्ट से वाटर की वैल्यू निकालो। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट है, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये वाला प्लांट है, जिसकी लाइट की वैल्यू 2 है एंड वाटर की वैल्यू 3 है, तो हमें 2 लाइट्स नजर आनी चाहिए और 3 वाटर ड्रॉप्स नजर आने चाहिए। तो हम लोग जरा नीचे आ जाते हैं इसको और देख लेते हैं कि हम लोगों ने सेव किया या नहीं किया। शॉपिंग लिस्ट को हम लोगों को सेव करना होगा। इसे सेव कर देता हूं
और सेव करने के बाद अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी सन की वैल्यू 2 है एंड वाटर की वैल्यू 3 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके नाम भी तो नजर आए ना। तो नाम शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर ब्रैकेट्स देके लिख देता हूं कि प्लांट डॉट नेम, हर एक प्लांट का नेम भी बता दो उसके साथ, एंड देयर यू गो। अब हर एक प्लांट का नेम भी आ रहा है और उसके साथ साथ उनकी वैल्यूज हमें इमोजीज के अंदर नजर आ रही है। प्रीटी सिंपल। अब जरा थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और इस टास्क को कर लेते हैं। इस टास्क में क्या है, हमें एक प्लांट आइटम नाम का कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं यहां पर आ जाता हूं, न्यू फाइल करता हूं और लिखता हूं प्लांट आइटम डॉट js, और उसके बाद ये उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे जैसे नेम, कवर, आईडी, लाइट एंड वाटर। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं प्लांट आइटम, और उसकी वैल्यूज हैं नेम कामा कवर कामा आईडी कामा लाइट कामा वाटर। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा अलग से एक डिव के अंदर ये प्लांट का नेम रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और उसके सामने क्या होगा, लिखा होगा प्लांट नेम, ठीक है। और उसके नीचे यानी कि इन सबको मैं पी में इंक्लोज करवा देता हूँ, और इसी तरह से मैं कहूँगा कि ये होगा इसकी आईडी, ये आईडी आ रही होगी, और लाइट एंड वाटर की जो वैल्यूज हैं वो हैं जी लाइट एंड वाटर की वैल्यूज जो कि केयर स्केल में से आ रही होंगी। तो हम लोग यहाँ पे केयर स्केल को यूज कर लेते हैं, और केयर जो टाइप है वो आप सीधा सीधा लिखोगे अलग से लाइट, एंड सिमिलरली एक पी एलिमेंट और उसके अंदर हम लोग कहेंगे वाटर, और यहाँ पर आप लोग कर दोगे वाटर, और यूं आपका प्लांट आइटम बन गया। अब इसको जरा मैं एक्सपोर्ट करवा दूं। अब इस एलिमेंट को हम लोगों ने यूज करना है कहाँ पे, शॉपिंग लिस्ट के अंदर, इस जगह पे, इस एल आई के अंदर। केयर स्केल को खत्म कर देता हूँ क्योंकि केयर स्केल को हम लोग प्लांट आइटम में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको शो करवाने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि प्लांट आइटम, और इसके अंदर नेम जो होगा दैट विल बी प्लांट डॉट नेम, जो आईडी होगी वो होगी प्लांट डॉट आईडी, जो लाइट होगी दैट विल बी प्लांट डॉट लाइट, जो वाटर होगा दैट विल बी प्लांट डॉट वाटर वैल्यू। इसे सेव कर दें। तो ये शॉपिंग लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट से हम लोग ट्रेस पैक करेंगे प्लांट आइटम पे, और प्लांट आइटम में वंस अगेन केयर स्केल यूज किया गया है, तो यहाँ से ट्रेस पैक करेंगे केयर स्केल में, और केयर स्केल से हमारे पास ये दो चीजें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको करता हूँ सेव, ऊपर चले जाता हूँ और यहाँ से केयर स्केल को भी मिटा देता हूँ, इसे हम लोग सेव करते हैं और अपनी ऐप पे आके देखते हैं कि क्या है। तो ये रहा आपका प्लांट नेम, देन आईडीज एंड उसके रिलेवेंट सारी की सारी डेटा। सो डिव कैन नॉट अपीयर इज अ डिसेंडेंट ऑफ पी, डिव जो है वो पी का डिसेंडेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इसको प्लांट आइटम को यूज कर रहे हैं, और प्लांट आइटम यहाँ पे है, ये रहा हमारा डिव, और इस डिव के अंदर से ये पी एलिमेंट्स हैं, और ये एक पी एलिमेंट है, और ये आपका केयर स्केल है। अब केयर स्केल अगर मैं देखूं, तो केयर स्केल पे डिव लगा हुआ है,
तो मैं इसको जो है वो टिप हटा देता हूँ, इससे हम लोग और यहाँ पर div एंड पीस को एल आई एंड क्यू एल के कॉम्बिनेशन में डाल दें। एंड देयर यू गो, हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ स्टाइल्स वगैरह लगाते हैं, तो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं इन सब के ऊपर कुछ स्टाइल्स लगा चुका हूँगा और इसका जो लेआउट है वो बेहतर बना चुका हूँगा। मैंने कुछ स्टाइल्स वगैरह लगा दिए हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर, और उसके साथ साथ कि स्टाइल्स के अंदर मैंने बहुत सारी स्टाइल शीट्स लगा दी हैं जो कि हर एक एलिमेंट पे अप्लाई कर दिए मैंने, हर एक कंपोनेंट पे अप्लाई कर दिए। और उसके साथ साथ मैंने कुछ SVGs को यूज़ किया है एसेट्स के अंदर, और इन सब मॉडिफिकेशंस के बाद हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इंटरैक्टिंग विद द कंपोनेंट्स यूजिंग इवेंट कर लेते हैं, और इसके अंदर आपको एक चीज पता चलेगी कि हम लोग जो इवेंट्स बनाते हैं उनको कैमल केसेस के अंदर लिखते हैं, और जब भी इवेंट्स डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज करते हैं। बहुत ही कम हम लोग एड इवेंट लिस्नर यूज करेंगे जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल क्लिक का, और उसको इस एलिमेंट के अंदर यूज करके देखते हैं जैसे ऑन क्लिक मेथड के ऊपर। ठीक है, तो ये करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लोगे। फिलहाल इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहे और ये फंक्शन जो है हमें कंसोल करके बताएगा और ये कहेगा आई एम क्लिक्ड। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए या इस इवेंट को यूज करने के लिए मैं इस एल आई आइटम के अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट चला देता हूं और इसके अंदर पास करवा देता हूं इट्स हैंडल। ठीक है, यूं करने के बाद अगर मैं रिएक्ट की ऐप पे आ जाऊं और अपना कंसोल ऑन कर दूं तो ये रहा मेरा कंसोल। अब मैं यहां पे किसी भी एल आई एलिमेंट लाइक दिस वन और दिस वन जिस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है आई एम क्लिक्ड। फाइन, तो इसके यूजेज के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं और इस बार कोई आर्गुमेंट दे देते हैं इस इवेंट के ऊपर। सो लेट्स से इवेंट के अंदर मैं अगर आर्गुमेंट दे दूं ई, और उसको दो तरह से मैं यहां पे शो करवा सकता हूं। एक मैं यहां पे कॉमा देके ई लिख दूं, ये हो सकता है, या फिर बैकटिक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो। बैकटिक्स के अंदर लिखने के लिए आप लोग कुछ यूं कर सकते हो कि आई एम क्लिक्ड, उसके बाद डॉलर साइन दे के यहाँ पर ई डिफाइन कर दो। तो ये मेथड भी ठीक है टेम्पलेट लिटरल का। अब जरा हम लोग दोबारा से आ जाते हैं अपनी ऐप पे और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नजर आएगा कि जवाब आ रहा है एक ऑब्जेक्ट, विच मीन्स के ये जो पैरामीटर्स हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो होते हैं। ओके, अब अगर आप लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप लोगों को एक डायरेक्ट एरो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो वो चीज करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आके एक एरो फंक्शन को यूज करता हूं और इट्स हैंडल के अंदर कोई आर्गुमेंट पास करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं आई एम क्लिक्ड एंड देन प्लांट का नाम, तो मैं यहां पे इस आर्गुमेंट को पास करवा दूंगा नेम वाले को। मैं यहां पे लिख दूंगा नेम, ठीक है,
इसको मैं सेव करवा देता हूं और अब इसका जरा आउटपुट चेक करते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और आपको नजर आएगा कि इस एलिमेंट का नाम आ गया, ये वाले का। अब इस पर क्लिक करता हूं तो इसका नाम आ गया, इस पे क्लिक करता हूं तो इसका नाम आ गया। पर अगर मैं नाम की जगह पे इनकी वाटर की वैल्यू या लाइट की वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं यहां पे आर्ग्यूमेंट पास करवा दूंगा, लेट्स से लाइट। इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं तो इसकी लाइट की वैल्यू 2 है और ये आपको 2 आइकन्स भी SVGs भी नजर आ रहे हैं। इसकी लाइट की वैल्यू 1 है, यहां पर 1 आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग सिंथेटिक इवेंट्स को देख सकते हो। तो सिंथेटिक इवेंट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ई को एक्सेस करना चाह रहा हूँ यूजिंग दिस फंक्शन, राइट, और मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ एंड मैं इसको भी हटा देता हूँ और मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कहूँगा लेट्स से आई एम क्लिक्ड कॉमा ई एंड नाउ लेट्स चेक। तो ये रहा आप इवेंट को, सिंथेटिक बेस्ड इवेंट को आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो। और इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ थोड़ा सा नीचे तो आपको एक ये रहा टारगेट, ठीक है। और इस वक्त हम लोगों ने इमेज पे क्लिक किया था तो इमेज टारगेट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टारगेट होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा ई डॉट टारगेट एंड डॉट उस टारगेट का क्लास नेम हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, मैंने क्लास नेम कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेट्स क्लीन इट एंड देन अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका जो क्लास नेम है दैट इज JH-PlantItem और इसका जो क्लास है दैट इज JH-Plant-Item-Cover। सो इसी तरह से क्लास नेम के अलावा आप कुछ भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इनर टेक्स्ट चेक करना चाहूँ और इनर टेक्स्ट मुझे किसका चेक करना है, इस LI आइटम का, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि LI आइटम में जो टेक्स्ट है दैट इज मॉन्स्टेरा। और अगर मैं एलिमेंट्स में आके इसको चेक करूँ बट दिस वन, और ये पहला LI है और इसमें ये देखें जो टेक्स्ट है दैट इज मॉन्स्टेरा विथ कैपिटल M। जो इवेंट के ऊपर प्रीवेंट डिफॉल्ट आप लोग यूज कर करते थे वो भी यूज कर सकते हो और स्टॉप प्रोपगेशन को भी यूज कर सकते हो। और दूसरा जो चीज है वो है फॉर्म्स को, फॉर्म्स की डेटा को एक्सेस करना या उनकी मैनेजमेंट करना, और वो सारी मैनेजमेंट सिर्फ ऑन चेन से हो सकती है। और आप लोग फॉर्म्स को मैनेज कर सकते हो दो तरीकों से, एक है कंट्रोल्ड और दूसरा है अनकंट्रोल्ड। सबसे पहले अनकंट्रोल्ड को देख लेते हैं। और अनकंट्रोल्ड के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक फॉर्म बना रहे हो। तो मैं यहीं पर जो हम लोग कोड कर रहे थे इसी के अंदर चीजें बता देता हूं। तो आप यहां पे आके एक फॉर्म बना लो, लेट्स से डिव के बाद मैं एक और डिव दे देता हूं और इसके अंदर हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। और यहां से ऑन क्लिक जो हैंडल था इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पे इसको यूज कर लेते हैं। हम लोग कह देते हैं ऑन सबमिट और ब्रैकेट्स में इट्स हैंडल। यहां पर इनपुट एलिमेंट बना लेते हैं, लेट्स से इनपुट, और ये इनपुट एलिमेंट का जो टाइप है That is text, और इसका जो name है that is name, और इसकी जो default value है वो है int your controlled name and this should be string। यहाँ पर मैं button create कर देता हूँ और button का जो type होगा that should be submit, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि submit।
तो जैसे ये सबमिट होगा ये वाला हैंडल चलेगा, और आप लोगों को पता है कि अगर मैं अभी इसको सबमिट करूं, अच्छे मैं अगर इसको सबमिट करूं तो ये पूरी की पूरी ऐप रीलोड हो रही है। अब इस रीलोड को हम लोग किस तरह से रोकते हैं, दैट इज कि हम लोग इवेंट के ऊपर कह देते हैं इवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यू वुड सी के पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। चलिए जी, अब एक काम कर देते हैं, इस एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं, इनपुट की वैल्यू को। इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे टारगेट के ऊपर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सिर्फ टारगेट देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ तो टारगेट एक फॉर्म है, राइट, और इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, और इसमें जो जीरो पे है दैट इज इनपुट, और जो वन पे है दैट इज बटन। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जीरो, एंड यूं करने के बाद अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इनपुट आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ वन और इस पर क्लिक करूँ तो जवाब आएगा बटन। तो यहाँ पर मैं इसके नाम को एक्सेस कर लेता हूँ, तो मैं इसका नाम रखा था नेम, राइट, का जो नेम एट्रीब्यूट था दैट वाज नेम एज वेल। और फिर मैं कह देता हूं इसकी वैल्यू बता दो, राइट। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वैल्यू है इन योर कंट्रोल्ड नेम, पर अगर मैं ये वाली वैल्यू हटा दूं और यहां पर लिखूं नाउ माय नेम इज अभिराज एंड देन सबमिट करूं, तो अब ये वाली वैल्यू हमारी एक्सेस हो रही है। Okay, so this was a very pretty simple way of accessing the input elements or managing the forms. However, ये जो approach थी that's a bit less React, क्योंकि इसकी कुछ limitations हैं। तो एक example के through इसकी limitation भी हम लोग देख लेंगे, और इस approach को करने से बेहतर है कि हम लोग controlled structure को पढ़ें, और उसके लिए सबसे पहले हम लोग लोकल स्टेट को पढ़ लेते हैं, जो कि आपको अलाउ करती है टू होल्ड द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन। तो यूज़र जब भी कंपोनेंट पे इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन के हिसाब से कंपोनेंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं यूजिंग लोकल स्टेट। उसके लिए हम लोग एक इनपुट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह का, और यूज स्टेट का यूज़ करते हैं रिएक्ट का। तो हम लोग यूज स्टेट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आस्क यू क्वेश्चन, वो इनपुट वैल्यू के अंदर चली आएगी इस वेरिएबल के अंदर, एंड देन हम लोग सेट इनपुट वैल्यू के थ्रू इस वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर ये कोड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है वो। मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपने नीचे आ जाना है और इसको चेंज करना है यूजिंग दिस सेट इनपुट वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि भाई जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होगी that will be input value on change। आप लोगों ने एक इवेंट चलाना है और उस इवेंट के थ्रू आपने मॉडिफिकेशन करनी है, और आपने कहना है कि भाई set input value to the event target value। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इनपुट के अंदर चेंज होती जाए वैसे वैसे इंफॉर्मेशन को मुझे डिस्प्ले भी करवाते जाओ। तो मैं कहूंगा console.log और यहां पे कहूंगा इनपुट वैल्यू को शो करवाते जाओ। तो जैसे जैसे मैं कुछ चेंजेस करूंगा इस इनपुट के अंदर वो सेट वैल्यू के थ्रू ट्रांसफर होंगी और सेव होती जाएंगी कहां पे, इस इनपुट वैल्यू के अंदर। और इस इनपुट वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूं कहाँ पे, ये कंसोल के अंदर, ठीक है। मैं सबमिट के ऊपर अभी कुछ भी नहीं कह रहा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं इंफॉर्मेशन को चेंज करता हूँ, दिस इज न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है।
जैसे जैसे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर भी वो पॉपुलेट होते जा रही है console.log के थ्रू। इनपुट के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है। मैं अगर कंसोल पे आ जाऊं और हिस्ट्री चेक करवाऊं तो ये देखें जैसे जैसे मैं की प्रेस करते जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर डेटा अपडेट होती जा रही है इन इनपुट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने चाहे तो ये बटन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अलर्ट के थ्रू नहीं चेक कर रहा, मैं जैसे ही चीज़ें चेंज हो रही हैं तो वैसे वैसे मैं चेक करवा रहा हूँ। वैसे ऑन क्लिक ये कर रहे हैं लेकिन ऑन सबमिट हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला जो कोड है अगर मैं उठा लूँ, इस कंप्लीट कोड को मैं उठा लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ऑन सबमिट लेट से ये हैंडल ना चलाओ, ठीक है, बल्कि डायरेक्ट अलर्ट वाली वैल्यू जो है वो मुझे बताओ। यूं करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो अलर्ट में ये नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे डू रिमेम्बर के पेज का जो रीलोड हुआ है वो डिफॉल्ट इफेक्ट है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ ऑल राइट और इसको सबमिट करता हूँ। सी कंसोल में हमारा आ गया और इसको मैं जैसे ओके करूँगा ये रीलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवेंट डिफॉल्ट ऑन सबमिट नहीं लगाया। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो कि इट्स हैंडल यहीं पर हो और इट्स हैंडल में ये वाली सारी इंफॉर्मेशन पास करवा दो यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन चलाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा अलर्ट कर देंगे हम लोग। और यूं करने के बाद मैं अगर यहाँ पे नीचे आऊँ और इंफॉर्मेशन को चेंज करूँ लेट्स से न्यू फ्रॉम इट्स हैंडल एंड मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा वंस अगेन मैं अलर्ट बॉक्स में आ गया, मैंने इंफॉर्मेशन देख ली, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप लोग कोई फिल्टर करना चाहते हो किसी वैल्यू को, तो किसी वैल्यू को फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस इनपुट एरर का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहे हैं जिसके अंदर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा डिपेंडिंग अपॉन कि इनपुट वैल्यू में यूज़र ने एफ टाइप किया है या नहीं किया। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं। तो हमारा वेरिएबल बन गया और यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज पे एक इवेंट लगा रहे हैं और हम लोग सेट वैल्यू करवा रहे हैं टारगेट के अंदर। पर मैं चाहता हूँ कि यह वैल्यू तभी सेट हो, तो मैं कह देता हूँ इफ इज इनपुट एरर तो उस वक्त अलर्ट करवा दो क्या यू कैन नॉट यूज दिस लेटर एफ एल्स अदरवाइज आप भले लिखना शुरू कर दो कंटिन्यू राइटिंग इट। ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यू राइटिंग इट। ये चीज चेंज करने के बाद अब हमारे पास ज्यादा अथॉरिटी है कि हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से हाउ आर यू एंड इट्स वर्किंग फाइन। पर मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ आई एम फाइन तो जैसे मैंने एफ लिखा तो हमारे पास ये एरर आ चुका है। और एक्सरसाइज में क्या है कि हम लोगों ने एक अलर्ट क्रिएट करना है दैट इज ट्रिगर्ड व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन केयर स्केल कंपोनेंट्स और उसके बाद दिस प्लांट रिक्वायर्स स्मॉल मॉडरेट और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और लाइट डिपेंडिंग अपॉन द करस्पॉन्डिंग डेटा वेदर इट्स अ वाटर लाइट। तो हम लोग सीधा चले आते हैं केयर स्केल कंपोनेंट में और यहाँ पर अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं जेन केयर का
और इसके अंदर हम लोग स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं, और हमारी जो की होगी दैट विल बी स्केल वैल्यू। और हम लोग कहेंगे कि अगर स्केल वैल्यू इज वन एंड अलर्ट, एंड देन यहाँ पे हम लोग गेयर टाइप की वैल्यू ले आएंगे, गेयर टाइप। सिमिलरली केस टू बना लेते हैं, के केस टू के अंदर हम लोग दे देते हैं अलर्ट प्लांट रिक्वायर्स मॉडरेट के, और डिफॉल्ट के अंदर हम लोग अलर्ट लगा देते हैं रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एंड लाइट। ओके, अब इसको कॉल करना है ऑन क्लिक पे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक का मेथड लगा देते हैं और जेन केयर का इवेंट। मैं थोड़ी सी क्विक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, जैसे ये जो केयर टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कॉमा की जगह पे मैं प्लस दे देता हूँ और यहाँ पर भी प्लस दे देता हूँ। आप यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल भी यूज कर सकते हो। और अब मैं आ जाता हूँ अपने रिएक्ट ऐप पे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, सो इट सेज दैट प्लांट रिक्वायर्स मॉडरेट वाटर, और अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्लांट रिक्वायर्स लिटिल लाइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर आ जाऊँ तो प्लांट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा वाटर, और अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्लांट रिक्वायर्स मॉडरेट लाइट। ठीक है, तो हमारा जो अलर्ट है दैट इज वर्किंग वेल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और जगह पे, मुझे सेंग कि आप लोगों ने एक नया कंपोनेंट फुटर बनाना है। टू दिस यू शुड ऐड दीज थिंग्स एंड इनपुट द गेट द यूजर्स ईमेल एड्रेस। ओके, लुक सिंपल, तो हम लोग बना लेते हैं इसे। यहाँ पे आ जाते हैं और एक फाइल बना लेता हूँ footer.js, और इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, और इट्स अ फंक्शन एंड इट्स नेम इज footer, और ये रिटर्न करेगा आपको मुझसे एक div के अंदर आप फॉर्म लगा दें, और उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट होगा जो कि ईमेल को एक्सेप्ट करेगा। सो लेट्स राइट input and it will receive the email. So let's say name equals to email, और default value जो इसकी है वो हम रखवा देते हैं try.e.abrar@yahoo.com। ठीक है, so it's a hint। अच्छा, ये फॉर्म बन गया, लेकिन इसमें और क्या चीज़ें हैं। अप्लाइंग द कंट्रोल्ड कंपोनेंट मेथड एंड स्टेट सिंटैक्स यूज्ड इन दिस चैप्टर फॉर इनपुट वैल्यू एंड सेट इनपुट वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे यूज करते हैं अलग से इनपुट वैल्यू कॉमा सेट इनपुट वैल्यू, और यूज स्टेट को यूज करते हैं, और यहाँ पे भी उसको इंपोर्ट करवा देते हैं, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, और ये जो इनपुट वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में डलवा देता हूँ, ठीक है। और इस फुटर को लाजमन शो करवाना है shoppinglist.js पे, तो हम लोगों ने फुटर को लिंक करवा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने फुटर को यूज़ भी कर लिया एक अलग ही यूएल के अंदर। अब वापस फुटर पे आ जाते हैं और वेबसाइट को भी देख लेते हैं कि अभी तक कैसी बनी है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और ये रहा हमारा फुटर बिल्कुल आखिर में। उसके बाद क्या करना है, ठीक है ये तो कर रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने ब्लर इवेंट लगाना है।
that triggers an alert if the input does not contain the @rate character. और ये वाला एरर शो करवाना है, ठीक है, अगर बंदा @rate नहीं लगा देता. चले कंट्रोल्ड इनपुट्स लगा देते, तो कंट्रोल्ड इनपुट्स के लिए हम लोग कह देते हैं कि ऑन ब्लर एक फंक्शन को कॉल करो एंड दैट फंक्शन इज चेक वैलिड. और ये फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, मैं कह देता हूँ कि फंक्शन चेक वैलिड. तो ये क्या करेगा, अलर्ट करेगा, इस चीज को अलर्ट करेगा. लेकिन आप लोग यहाँ पे आके एक कॉन्स्ट भी बना लेंगे हम लोग, तो कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू शुड कंटेन @ साइन. अच्छा, इसके साथ हम लोग एक और चीज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ऑन चेंज, हम लोग एक इवेंट को चला देते हैं और वो इवेंट क्या करेगा, वो इवेंट सेट इनपुट वैल्यू करवाएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है. और टारगेट तो यही होगा, यहाँ पर कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. हालांकि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इनपुट वैल्यू. और चेक वैलिड में कह देते हैं कि इफ नॉट वैलिड ईमेल तो अलर्ट जनरेट करवाओ. आप इसको abra.com से चेक करते हैं तो ये रहा हमारा एरर इन अलर्ट. और अगर @ साइन डाल देते हैं और अब अगर इसको ब्लर करूं तो कोई एरर नहीं आया, विच मीन्स कि हमारा काम हो गया. ओके, सो मैं कुछ चीज़ें पहले से ही कर चुका हूं, उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं. सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम लोगों ने ऐप का कंपोनेंट लगा दिया है और ये ऐप का वो कंपोनेंट है जो कि मैंने बनाया है कंपोनेंट्स के अंदर. तो यहाँ पर जो जितनी भी डेटा थी वो सारी उठा के हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस में रखवा दी, कुछ इस तरह से. तो यहाँ पर आप लोगों को बैनर भी नज़र आएगा, कार्ड भी नज़र आएगा, शॉपिंग लिस्ट भी नज़र आएगी एंड फोटर भी नज़र आएगा. उसके बाद दूसरी अहम चीज़ है एसेट्स. यहाँ पर सारे इमेजेस लगे हुए हैं प्लांट्स के. डेटास के अंदर प्लांट टेस्ट में मॉडिफिकेशन कर दी गई है, तो मैंने सारे इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिए हैं, उनको लिंक करवा दिया है यूजिंग कवर की. और प्लांट आइटम्स के अंदर उसको यूज करने के लिए हम लोगों ने प्लांट आइटम्स के अंदर कवर यूज किया है इनपुट वैल्यूज के जगह पे. और इमेजेस में सोर्स के अंदर ऑनलाइन नंबर 20 हम लोगों ने कवर यूज किया है. यूं करने से आप लोगों की वेबसाइट पर ये इमेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे. थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर दी है मैंने, तो हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्टाइल की फाइल. तो अब लोकल स्टेट को यूज कर लेते हैं और ये जो सेटअप होगी वो सेटअप होगा यूजिंग यूज स्टेट व्हिच इज अ हुक ऑफ रिएक्ट. और क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो डेटा होती है दैट इज द हार्ट ऑफ एवरी एप्लीकेशन, तो इस हुक के थ्रू हम लोग इस डेटा के साथ इंटरेक्शन कैसे करवाया जाए यूजर को वो इस लेक्चर में सीखेंगे. तो लोकल स्टेट हर कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, इवन जब आप लोग एप्लीकेशन को रीरेंडर करो तब भी वो उसमें मौजूद होती है. और यही वजह है कि इसको हम लोग स्टेट फुल कहते हैं. इसको समझने के लिए मैं कार डॉट जेएस में आऊँगा और यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करवाऊँगा.
ये इंपोर्ट करने का कोड है और जो स्टेट मैंने क्रिएट करनी है दैट इज स्टार्ट, और इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और करंटली कार्ट की जो स्टेट है दैट इज जीरो। मैं एक प्लांट बना लेता हूं, नेम इट एग्जांपल प्लांट और उसका नाम दे देता हूं रोज। अब यूजर को इस डेटा के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक बटन बना लेता हूं और वहां पर हम लोग लिखवा देते हैं एड मोर। सो एवरी टाइम बंदा जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो कार्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी विद वन। इनिशियल स्टेट कार्ड की जीरो है और हर बार जब एड मोर पे क्लिक किया जाएगा उस वक्त कार्ड की वैल्यू वन हो जाएगी। यहां पर टोटल रखवा देता हूं ताकि मुझे टोटल नजर आता जाए और इसमें वैल्यू रखवा देता हूं कार्ड की। तो हर बार जब एड मोर किया जाएगा तो टोटल के पास हमें 0 देन 1 देन 2 देन 3 इस तरह से नजर आना चाहिए, पर सिर्फ 1 2 3 दिखाना फायदेमंद नहीं है तो मैं उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक पी टैग लगा देता हूं और उसमें इस एग्जांपल प्लांट का नाम लिखवा देता हूं व्हिच इज रोज। तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एग्जांपल प्लांट। अब इस एग्जांपल प्लांट की प्राइस भी सेट कर लेते हैं। लेट्स मेक इट 8। और अब मैं ये चाहूंगा कि कार्ड की जो वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती रहे, व्हिच मींस कि जब कार्ड की वैल्यू जीरो है तो प्लांट की जो प्राइस हो दैट शुड बी जीरो, कार्ड की वैल्यू वन है तो प्लांट की प्राइस 8 हो, कार्ड की वैल्यू 2 है तो प्लांट की प्राइस 16 हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये रहा हमारा कार्ड और जिस पर कोई CSS नहीं लगी हुई, तो पहले मैं इस पर थोड़ी सी CSS लगा देता हूं। तो यहां पर हम लोग इंपोर्ट करवा देते हैं। मेरी CSS पहले से ही बनी हुई है स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर और मैं उसको इंपोर्ट करवा दूंगा। देयर यू गो। अब जरा एड मोर पे क्लिक करते हैं। वैल्यू हुई $8, 16, 24, 32। सो एवरी टाइम जो है वो 8 प्लस होता जा रहा है या कार्ड की वैल्यू 0 से 1, 2, 3, 4 होती जा रही है और वो 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। यू मे से दैट क्योंकि यही हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर लिखा है। तो आखिर हमारा जो यूज स्टेट है वो है क्या? तो जैसे मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ कि ये एक हुक है रिएक्ट का। और एक हुक क्या होता है? हुक इज अ फंक्शन दैट अलाउज यू टू हुक इनटू रिएक्ट फंक्शनलिटीज। यू कैन इंपोर्ट देम डायरेक्टली फ्रॉम रिएक्ट। और इसी तरह का एक और हुक अवेलेबल है यूज इफेक्ट का। और इससे भी कुछ और ज़्यादा हुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि इस कोर्स में कवर नहीं किए जाएंगे। अब अगर हम लोग हुक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अगर मैं वो शॉर्टकट यूज़ ना करता तो मैं कुछ इस तरह से एक इस हुक को यूज़ कर सकता था। जैसे मैंने एक कार्ड स्टेट बनाया, फिर कार्ड बनाया, फिर अपडेट कार्ड बनाया, तो इस तरह से तीन लाइनों के अंदर भी मैं इसको डिफाइन कर सकता था। और इनिशियल वैल्यू एंड उसके ऊपर जो फंक्शन है वो आप लोग कोई भी उसको नाम दे सकते हो, ठीक है? हमारे वाले एग्जाम्पल में हमारी इनिशियल स्टेट जीरो थी जो कि हम लोग यूज स्टेट और ब्रैकेट में जीरो लिख के डिफाइन कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम लोग कोई और स्टेट डिफाइन करना चाहते हैं जैसे इज ओपन और उसके ऊपर एक फंक्शनलिटी बनाना चाहते हैं सेट इज ओपन की, तो सीधा सीधा हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे इज ओपन कॉमा सेट इज ओपन और इक्वल टू के बाद उसकी इनिशियल वैल्यू दे देंगे। That is in our case right now
इट्स ट्रू, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फंक्शनलिटी को बनाना चाह रहे हो, तो फिर आप लोग इसको ट्रू या फॉल्स रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ रिटर्न इज ओपन, और अगर इज ओपन की जो वैल्यू है वो ट्रू हो तो ये चीज दिखाओ जो कि डिव के अंदर है, ठीक है। और कॉलम लगा के अगर मैं स्टेटमेंट कोई लिखता हूँ तो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर इफ ओपन हो यानी कि ट्रू हो इनिशियल स्टेट, तो एक डिव एलिमेंट बताओ दिखाओ, अदरवाइज एक बटन एलिमेंट दिखाओ, ठीक है। करंटली जो हमारी स्टेटमेंट कह रही है वो ये कह रही। अब अगर मैं इस बटन के अंदर लिखवा देता हूं ओपन कार्ड और इसके ऊपर फंक्शनैलिटी डिफाइन करवा देता हूं कि ऑन क्लिक पे क्या हो, सेट इज ओपन की वैल्यू चेंज हो या इफ ओपन की वैल्यू चेंज हो यूजिंग सेट इज ओपन फंक्शन। तो हम लोग सेट इज ओपन को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब सेट इज ओपन की वैल्यू क्लिक होने पे क्या हो, तो मैंने कह दिया ट्रू, व्हिच मींस कि मैं इनिशियल स्टेट फॉल्स रखवाना चाह रहा हूं। अब क्या होगा, अब इफ ओपन अगर ट्रू होगा तो डिव चलेगा, अदरवाइज आपको ये बटन नजर आएगा। सो करेक्टली इफ ओपन फॉल्स है तो हम लोगों को ओपन कार्ड का बटन नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मैं कार्ड के अंदर वैल्यूज एड करवा सकता हूँ। जैसे मैं एड मोर के ऊपर क्लिक करते जा रहा हूँ और वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही है विद द मल्टीपल्स ऑफ एट। अच्छा, अब जब ओपन कार्ड ओपन हो जाता है तो उस वक्त भी मैं एक बटन बना देता हूँ ताकि मैं इस कार्ड को फिर दोबारा से क्लोज भी कर पाऊँ। उसके लिए मैं क्लोज कार्ड की वैल्यू लिखता हूँ और बटन पे इवेंट लगा देता हूँ, और सिमिलर यही इवेंट होगा जो कि ओपन कार्ड के लिए यूज हुआ था। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो। तो जैसे ही मैं वैल्यू इसकी फॉल्स एक्टिवेट करवाऊंगा ऑन क्लिक, तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो है वो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें लिखा हुआ है ओपन कार्ड, ठीक है। तो ये रही उसकी फंक्शनलिटी। जैसे मैं ओपन कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कार्ड आ रहा है और क्लोज कार्ड पे कार्ड बंद हो रहा है। अब जरा इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने एक क्लियर कार्ड का बटन बनाना है जो कि स्टेट को, कार्ड की स्टेट को जो है वो रीइनिशियलाइज करवा देगा, व्हिच मींस कि उसको रीसेट करवा देगा। तो मैं यहां पे एक और बटन बना देता हूं और उस पर लिखवा देता हूं क्लियर कार्ड, और यहाँ पर अपडेट कार्ड की जगह पे करवा देता हूँ 0, ताकि जब भी क्लियर कार्ड पे क्लिक हो तो कार्ड की जो वैल्यू हो दैट शुड बिकम 0 और वो इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट्स सी, यहाँ जैसे ही क्लियर कार्ड पे क्लिक किया कार्ड की वैल्यू 0 हो गई। शेयर स्टेट बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि एड कार्ड कैसे करना है, हमने कार्ड को ओपन भी किया, कार्ड को क्लोज भी किया। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि किसी और कंपोनेंट की वजह से हमारे कार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग कार्ड और शॉपिंग लिस्ट के बीच में एक लिंक जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो हर एक जो प्लांट का लिस्ट आइटम था वहां पर एड टू कार्ड का हम लोग बटन रखवा देंगे। कहां पे, यहां पर ये जो एड टू बटन है, एड टू कार्ड का बटन, और यहाँ पर क्लिक करने से ओपन कार्ड के अंदर यहाँ पर मॉडिफिकेशंस होंगी और इसका नाम आएगा, इसकी प्राइस आएगी, इसकी क्वांटिटी आएगी,
इसी तरह से इस एलिमेंट की भी चीज़ें चेंज होंगी एंड देन इन दोनों का एडअप हो जाएगा टोटल के अंदर। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग पेरेंट से डेटा चाइल्ड्स की तरफ सेंड करना शुरू करते हैं, और ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पास डाउन करते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा करंटली कार से डेटा जा रही है पेरेंट की तरफ, और फिर पेरेंट से हम लोग इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर जगह पे। अब उसके लिए आप लोगों को पहले ही मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करवा दी थी हमारी ऐप की फंक्शनलिटी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर आ जाओगे app.js में आएंगे तो app.js के अंदर आप लोगों को बैनर भी नजर आएगा, कार्ड भी नजर आएगा, शॉपिंग लिस्ट भी नजर आएगी एंड फुटर भी नजर आएगा। लेकिन अपडेट कार्ड वाले यूज स्टेट वाले हुक को यूज करने के लिए मुझे इस हुक को यहाँ पर यूज करना होगा। तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरह से यहाँ पे यूज स्टेट को इम्पोर्ट भी करवा देता हूँ। अब ये कार्ट की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने कार्ट में भी यूज करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रॉप में यूज कर लूंगा एस कार्ट, और अपडेट कार्ट की वैल्यू भी मुझे यहीं पर यूज करनी है तो मैं अपडेट कार्ड भी यहीं पर कॉल करवा दूंगा प्रॉप्स में। और इसी तरह से क्योंकि शॉपिंग लिस्ट के अंदर हमारे ये सारे एलिमेंट्स हैं और इनको भी हमें कार्ड के थ्रू ही कनेक्ट करवाना है, तो ये वाली चीज मैं कॉपी करके यहां पे रखवा दूंगा। अब इन दोनों का जो पेरेंट है दैट इज एप, और यूज स्टेट को हम लोगों ने एप के अंदर यूज करवा दिया, व्हिच मींस के यूज स्टेट की जो वैल्यूज हैं वो इसके सारे कंपोनेंट्स पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। और हम लोगों ने दो एलिमेंट्स के अंदर एक लिंक या बॉन्ड क्रिएट कर दी। अब इन कार्ड को और अपडेट कार्ड को यूज करने के लिए क्योंकि मैंने इनको यहां पर प्रॉप में यूज किया है तो मुझे इनको कार्ड के अंदर यूज करने के लिए यहां पे मेंशन करवाना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कार्ड डॉट जेएस में आ जाता हूं और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देता हूं। और इसी तरह से मॉडिफिकेशन जो है और शॉपिंग लिस्ट में भी करवा देते हैं, और प्लांट आइटम पे पहले ही हमारे पास बटन है ऐड किया हुआ, इस बटन के ऊपर हम लोग ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं जिससे हमारा जो अपडेट कार्ड है उसकी वैल्यू चेंज होगी और इसके थ्रू हमारी कार्ड की वैल्यू चेंज होगी। कार्ड डॉट जेएस से ये वाला एरर हम लोग हटवा देते हैं, ये जो आ रहा है, और ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने यूज स्टेट को दोबारा से यूज किया हुआ है। हाउएवर ये जो कार्ड की वैल्यूज हैं वो तो इसके पेरेंट से आ रही हैं और कार्ड के अंदर जो इस वैल्यूज का फिलिंग हो रही है वो हो रही है प्रॉप्स के थ्रू, तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से यूज स्टेट को यूज नहीं कर सकते फॉर दिस कार्ड। इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब एक चीज हमारी हो चुकी है वो है लिंक का एस्टेब्लिश होना, तो अब मैं आ जाता हूँ शॉपिंग लिस्ट पे जहां पर आप लोगों को प्लांट लिस्ट नजर आ रही है और प्लांट आइटम नजर आ रहे हैं और वहां पर ऐड का बटन है। ऐड के बटन पे मॉडिफिकेशन करने से कार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन आनी चाहिए और फिलहाल हम लोग मॉडिफिकेशन यहां पर देखेंगे, तो मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां से ऐड पे क्लिक करता हूं तो आपको वैल्यू नजर आएगी 8, और वंस अगेन 8 पे क्लिक करता हूं अब आपको वैल्यू नजर आएगी 16, थोड़ा और नीचे आ जाएं और यहां पे क्लिक करें और आपको वैल्यू नजर आ रही है 24।
तो हमारी जो वैल्यू है वो अब चेंज हो रही है बाय क्लिकिंग हियर ऑन दिस बटन। पर अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूं, यहां पे जैसे ही क्लिक करूं तो यहां पर आ जाए लेट्स से मॉन्स्टेरा मल्टीप्लाई बाय 1 और उसकी वैल्यू आ जाए लेट्स से अगर मैंने एक बार क्लिक किया है तो इट शुड बी 8, अगर दो बार क्लिक किया है तो यहां पर 2 हो जाए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहां पर 16 हो जाए। इसी तरह से जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं लेट्स से 8 पे, तो यहां पर मॉन्स्टेरा के नीचे ही एक और एलाई आइटम हो या व्हाटसोएवर कोई भी आइटम हो जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई इस प्लांट का नाम मल्टीप्लाई बाय 1 और द टाइम्स आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस 8, जितनी बार 8 पे क्लिक किया है उतने टाइम्स वो आ जाए और इन दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल में प्लस हो जाए। कुछ और सीएसएस की मॉडिफिकेशन करने के बाद हम लोग अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। जंप टू अवर कोड एडिटर। सबसे पहले प्लांट लिस्ट में आ जाते हैं और यहां पर आपको नजर आएगा कि मैंने प्राइसेस की वैल्यूज ऐड कर दी हैं हर एक प्लांट के अंदर। यहां से हम लोग app.js में आ जाते हैं और यूजर स्टेट को यहां पे यूज कर लेते हैं, लेकिन यूजर स्टेट में स्पार्क ब्रैकेट्स हैं क्योंकि कार्ट की जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ एलिमेंट्स होगी। अब car.js के ऊपर चीजों को शो करवाने के लिए हम लोग मैप का फंक्शन चला देते हैं। जो कि हर एक इंडेक्स के ऊपर इटरेट करेगा और इंडेक्सेस होंगे प्लांट और प्लांट के अंदर उसकी नेम प्राइस एंड क्वांटिटी की वैल्यूज होंगी। हम लोग एक टोटल का वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं। जो कि कार्ट में से हर एक प्लांट की वैल्यू को उठाएगा। तो कार्ट में से हर एक प्लांट की प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसकी क्वांटिटी के साथ और टोटल में ऐड किया जाएगा। एग्जांपल प्राइस की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। शॉपिंग लिस्ट डॉट जेएस में सबसे पहले अपडेट कार्ड को रिमूव करके ऐड टू कार्ड का एक फंक्शन इनिशियलाइज कर देते हैं जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक होगा नेम एंड दूसरा होगा प्राइस। सबसे पहले फंक्शन को इनिशियलाइज करवा देते हैं। अब एक वेरिएबल के थ्रू ये चेक करते हैं कि क्या ये प्लांट पहली बार ऐड हो रहा है या ऑलरेडी कार्ट के अंदर मौजूद है। अगर ये प्लांट पहले से ही मौजूद है तो हम लोग फिल्टर की कंडीशन लगा देते हैं ताकि कार्ट की सारी डेटा आ जाए एक्सेप्ट दैट करंट प्लांट। और उसको अब एक वेरिएबल में पुट करवा देते हैं दैट इज करंट प्लांट फिल्टर्ड कार्ट। अब कार्ट के एरे को अपडेट कर देते हैं विद द करंट प्लांट फिल्टर्ड कार्ट और अभी अभी जिस पर क्लिक किया गया है प्लांट के ऊपर उसका नाम उसकी प्राइस, क्योंकि ये प्लांट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो हम लोग अब उसकी क्वांटिटी में 1 प्लस करवा देंगे। अब अगर इस प्लांट के ऊपर या किसी भी प्लांट के ऊपर पहली बार क्लिक किया गया है तो हम लोग प्रीवियस कार्ड को उठाएंगे वेदर उस कार्ड में कोई वैल्यू है भी या नहीं
और उसको जोड़ देंगे हम लोग इस प्लांट के साथ, और उस कार्ड के अंदर ये प्लांट की वैल्यू डलवा देंगे जिसमें इस प्लांट का नेम होगा, प्राइस होगा, और इस बार क्वांटिटी पहली बार होगी। अब इस वेबसाइट को लाइव देख लेते हैं। तो प्लांट्स ऐड करना शुरू करते हैं। सेकंड प्लांट की प्राइस 5 यूरो, टोटल 13। अब अगर थर्ड को ऐड कर दूं तो उसका नाम, उसकी भी प्राइस 5 यूरो है। अब अगर फर्स्ट वाले को दूसरी बार क्लिक करूं तो सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुई है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। एक बार और क्लिक कर दें और नीचे टोटल के ऊपर भी गौर करते जाएं तो वो टोटल भी जो है वो अकॉर्डिंगली प्लस होते जा रहा है। अब फिल्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो इस फिल्टर में अगर मैं क्लासिक पे क्लिक करूं तो सिर्फ उसी के रिलेटेड प्लांट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अगर एक्सटीरियर को सिलेक्ट करूं तो उससे रिलेटेड, और अगर यहां पे क्लिक करूं तो इससे रिलेटेड मुझे प्लांट्स नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इस पर रीसेट पे क्लिक कर दूं तो मुझे सारे के सारे प्लांट्स दोबारा से नजर आना शुरू हो रहे हैं। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम लोगों ने पहले से कोड करके रखा हुआ है, और कोड के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि category.js का अलग ही कंपोनेंट हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, और कुछ मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने shoppinglist.js में रखी हुई। सबसे पहले कैटेगरी कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स यूज किए हैं। तीन तरह के प्रॉप्स हैं, एक में कैटेगरीज होंगी और एक में यूज स्टेट का एक्टिव कैटेगरी होगा, और यूज स्टेट का सेट एक्टिव कैटेगरी का फंक्शन होगा। हम लोगों ने प्लांट लिस्ट के ऊपर एक लूप चलाया है और इस कैटेगरी लिस्ट को पॉपुलेट कर दिया है विद यूनिक प्लांट कैटेगरीज। जैसे हमारे पास प्लांट्स 10 हैं लेकिन यूनिक प्लांट कैटेगरीज सिर्फ 3 ही है। हम लोग नीचे आ रहे हैं और सिलेक्ट और ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं ताकि वो सारी कैटेगरीज इन ऑप्शंस के अंदर आए, और हम लोगों ने सिलेक्ट के साथ एक बटन लगा के रखा है ताकि हम लोग एक्टिव कैटेगरीज जो भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उनको खाली कर सके। हम लोगों ने सिलेक्ट के ऊपर ऑन चेंज का फंक्शन लगाया है जो कि सेट एक्टिव कैटेगरी के थ्रू एक्टिव कैटेगरी को करंट कैटेगरी में असाइन करवा देगा, व्हिच मींस के ड्रॉप डाउन में से मैं जिस पर भी क्लिक करता हूँ वो मेरी एक्टिव कैटेगरी होगी। तो मैं shoppinglist.js में आ जाता हूं और यहां पर आप लोगों को नजर आएगा बिल्कुल ऊपर कि मैंने कांस्टेंट इनिशियलाइज करवाया है जिसमें हमारा एक्टिव कैटेगरी है, और इस एक्टिव कैटेगरी के अंदर 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, 3 कैटेगरीज हैं और चौथी एम्प्टी वैल्यू है। 3 वैल्यूज होंगी यूनिक प्लांट कैटेगरीज की, इनिशियली इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट को लोड करते हैं तो हमें कंप्लीट सारे के सारे प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं। हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कैटेगरी का कंपोनेंट हम लोगों ने यूज किया है और कैटेगरीज हमारी कैटेगरी लिस्ट है। सो कैटेगरी लिस्ट के अंदर वंस अगेन हमारे पास यूनिक प्लांट की कैटेगरीज हैं। आप बिल्कुल नीचे आते हो और ये जो पहले से ही कंडीशन लिखी हुई थी जिसमें हम लोग कह रहे थे कि सारे के सारे प्लांट्स शो करवाओ, उसमें हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, और हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो प्लांट्स दिखाएं, अदरवाइज प्लांट्स ना दिखाएं। और प्लांट्स कब दिखाने हैं? जब कैटेगरी खाली हो तब प्लांट्स दिखाने हैं, या फिर वो प्लांट्स दिखाने हैं जो कि एक्टिव कैटेगरी के अंदर की वैल्यू अगर प्लांट से ली गई कैटेगरी के वैल्यू के बराबर हो तो ही वो वाले प्लांट्स हमें यहाँ पर देखें। तो अगर यहाँ पर एक्सटीरियर हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है यूजिंग category.js, यानी कि ऑन चेंज के ऊपर अगर हम लोगों ने जो सिलेक्शन की हुई है दैट इज एक्सटीरियर, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया हमारी एक्सटीरियर, और प्लांट लिस्ट में से हमारे पास जिन जिन प्लांट्स की कैटेगरी एक्सटीरियर आ रही है हम लोग उन्हीं प्लांट्स को सिर्फ विजिबल करवा रहे हैं अपने वेब पेज पे। और यही वजह है कि जब मैं कंपोनेंट पे सेट एक्टिव कैटेगरी क्लासिक करता हूं तो शॉपिंग लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ मुझे क्लासिक वाले इमेजेस नजर आते हैं या प्लांट्स नजर आते हैं, और रीसेट पे क्लिक करने से सेट एक्टिव कैटेगरी के थ्रू एक्टिव कैटेगरी नल हो जाती है या एम्प्टी हो जाती है, और उस सूरत में मुझे सारे के सारे प्लांट्स नजर आते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो। इस कोर्स को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। इससे एडवांस कोर्स को देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। टिल द नेक्स्ट कोर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।